आज दिल्ली महिला आयोग की टीम क्रॉस रिवर मॉल पहुंची है। हम यहाँ पे ये डे स्पा में पहुंचे हैं, जहाँ पे अंदर जब हम गए तो साफ हमें दिखा है कि किस तरीके से बंद कमरे में नंगा करके लड़की उसके साथ आदमी के साथ पाई जा रही है। बहुत ही अश्लील हरकतें वहाँ चल रही है और ये भी देखने को आ रहा है कि सारे लड़के यहाँ मसाज कराने आते हैं और सिर्फ लड़कियां मसाज कर रही हैं। बंद कमरों में चटकनी लगा के नंगा करके किस प्रकार का यहाँ पे अश्लील हरकतें चल रही है, पूरी दिल्ली पुलिस को पता है। ये पूरा का पूरा मॉल है, इसमें आप चलिए यहाँ पे देखिए सारे स्पा, यू विन स्पा, जी बॉय स्पा, स्टार स्पा, मून शाइन स्पा, वहाँ पे माइल्ड स्पा, पूरा का पूरा स्पा बना रखा है। ये मॉल कम और स्पा ज्यादा है और इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी हम लोग स्पा में घुसे, पुलिस आई और पुलिस ने एक काम करी कि पूरे हर स्पा में जाकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि दिल्ली महिला आयोग की टीम आ गई है, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से लड़कियों को भगाया गया है, यहाँ से लड़कों को भगाया गया है। ये क्या चल रहा है? इन लोगों के पास एमसीडी का एक लाइसेंस भी है और ये लाइसेंस एमसीडी जब देती है तो क्या ये नोट नहीं करती कि किसको लाइसेंस दे रही है? सिर्फ लड़कियों के स्पा में सिर्फ लड़के आके मसाज करा रहे। अरे लड़कियां हैं तो लड़कियों को स्पा दे और लड़के हैं तो लड़कों को स्पा दे। बंद करके, चटकनी बंद करके उसके बाद स्पा चलाए जा रहे और कहा जा